everyone, I'm Bhavna Sahani, back with the new video for class 10th, Nationalism in India. अब ये नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर एक अकेला 10 मार्क्स का आने वाला है 40 मार्क्स में, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है. इस चैप्टर की मैं 5 वीडियोस अपलोड करूंगी. यू नो दैट दिस चैप्टर कंप्राइजेस ऑफ 5 टॉपिक्स, ओके, 4 थियोरेटिकल टॉपिक्स एंड 1 मैप. सो हर एक टॉपिक के मैं सारे क्वेश्चंस अपलोड करने वाली हूँ, एंड इफ यू विल बी डूइंग ऑल दीज 5 वीडियोस, आई एम 100% श्योर उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इस वीडियोस के अलावा. तो मैं 500 टॉपिक इंक्लूडिंग मैप वर्क अपलोड करने वाली हूँ 1 by 1. प्लीज गो थ्रू इट एंड आई एम श्योर दैट दीज वीडियोज विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद Nationalism in India, Topic 1. In Topic 1, we will be covering about World War 1. Alright, after World War 1, we will be covering about Khilafat issue and then non-corporation movement. Ye teen cheeze first topic mein aati hai. Khilafat issue, World War 1 and non-corporation movement. Okay, so let's get started with the first question, jo ki bahut important hai. Aur is first question karne se pehle main aapko ek cheez bataungi ki hamara World War 1 kab hua tha. Do you remember? This is the first date you have to learn this in chapter. In this chapter, World War 1 हुआ था 1914 से 1918 के बीच में. सो दिस इज द फर्स्ट डेट, प्लीज लर्न दिस. ओके, वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में. अब क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1. वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी इंडिया की? फाइनेंशियली इंडिया का क्या हाल था? हमें ये देखना है. अब वॉर हो रहा है, ऑब्वियसली तो हाल तो अच्छा नहीं होगा. वॉर में पैसा भी बहुत खर्च होता है, राइट? और इंडिया के पास पहले भी पैसा नहीं था, क्योंकि जितना भी इंडिया अर्न कर रही थी ब्रिटिशर्स, वो अपने बेनिफिट के लिए यूज करते थे, राइट? इंडिया के बेनिफिट के लिए यूज नहीं करते थे, राइट? इफ यू रिमेंबर दिस. सो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, इंग्लैंड मीन्स ग्रेट ब्रिटेन पार्टिसिपेटेड इन द वॉर एज अ मेंबर ऑफ ट्रिपल अलायंस विद रशिया एंड फ्रांस. ओके, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था, इंग्लैंड ने, मतलब ग्रेट ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर में एज अ मेंबर ऑफ द ट्रिपल अलायंस. ट्रिपल अलायंस का मेंबर बन के पार्टिसिपेट किया था. और ट्रिपल वर्ड है, राइट? क्या, कौन सा वर्ड है? ट्रिपल वर्ड है. तो ट्रिपल वर्ड में कौन कौन सी चीज है, कौन कौन सी मेंबर्स आते हैं ट्रिपल वर्ड में? इंग्लैंड, रशिया और फ्रांस आता है. ट्रिपल अलायंस की मैं बात करूं तो इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. ऑल राइट, द वॉर लीड टू ह्यूज इंक्रीज इन वॉर एक्सपेंस. अब इसमें क्या है, वॉर हुआ, राइट? यू नो वॉर हुआ एंड द वॉर लीड टू ह्यूज इंक्रीज इन एक्सपेंस विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स. विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन. अब वॉर हुआ है, ऑब्वियसली वॉर हो रहा है तो हमें बहुत सारे पैसे चाहिए. आर्मी को ट्रेन करना है, गन्स खरीदनी है, बॉम्ब्स खरीदने हैं, टैंक्स खरीदने हैं, बहुत सारा पैसा चाहिए. तो वॉर एक्सपेंस तो हमारा एकदम से बढ़ गया, ठीक है? अब वॉर एक्सपेंस कहाँ से आया? पैसे तो है ही नहीं. वॉर एक्सपेंस कहाँ से आया? वॉर एक्सपेंस आया आपका वॉर लोन से. और ये वॉर लोन्स हमें मिले कहाँ से? कहाँ से? किसने हमें लोन दिया? अदर नेशंस ने, राइट? अब लोन लिया है तो पैसे तो चुकाने हैं. हमने अदर नेशन से लोन लिया है तो हमें पैसे तो वापस देने हैं. हम वो पैसे वापस कैसे करेंगे? गवर्नमेंट ने क्या किया पैसे वापस करने के लिए? गवर्नमेंट को भी तो पैसे चाहिए ना वापस करने के लिए. गवर्नमेंट ने क्या किया? सब लोगों का टैक्स इंक्रीज कर दिया. ओके, टैक्स इंक्रीज हुआ, गवर्नमेंट ने पैसा इकट्ठा किया और वॉर लोन चुकाया, राइट? सो द सेकेंड पॉइंट इज द वॉर लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन वॉर एक्सपेंसिस विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स फ्रॉम अदर नेशंस विच वॉर फाइनेंस्ड बाय इंक्रीज इन टैक्सेस. ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ? आर्मी में लोग नहीं थे, कम लोग थे, बहुत कम सोल्जर्स थे. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जितने भी विलेजर्स के मेन थे, ठीक है, जितने भी मेन थे विलेजर्स में, दे वर फोर्स टू ज्वाइन द आर्मी. और जब उन्हें फोर्सफुली ज्वाइन कराया गया आर्मी को, तो इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं फोर्स रिक्रूटमेंट. इस चीज को क्या कहते हैं? फोर्स रिक्रूटमेंट, राइट? देन एज ड्रॉट प्रोलॉन्ग्ड, यू नो ड्रॉट का मतलब क्या होता है? सारा सूख जाता है, स्केसिटी ऑफ वाटर होता है, क्रॉप्स फेल हो जाते हैं, नहीं उग पाते क्रॉप्स. तो अब ड्रॉट आया और काफी लंबे समय तक ड्रॉट चला. तो ऑब्वियसली ड्रॉट आया, पानी नहीं है, सब सूखा पड़ गया, क्रॉप्स हमारे सूख गए, हमारी क्रॉप्स फेल हो गई, राइट? द क्रॉप्स फेल्ड,
और क्रॉप्स उगे नहीं तो क्रॉप्स सबको फूड ग्रेन्स मिलेंगे भी नहीं. सो इट लेड टू दी व्हाट इट लेड टू दी शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स. और जिस चीज़ की शॉर्टेज होती है उस चीज़ का प्राइस बढ़ता है, ऑटोमेटिकली बढ़ता है. सो इट लेड टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन्स. इट लेड टू द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन्स. ओके, सो दिस वॉज अकंपनीड बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक में क्या हुआ, लोग भूखे मरने लग गए. पीपल वर डाइंग ड्यू टू स्टारवेशन एंड 12 टू 13 मिलियन पीपल वर किल्ड ड्यू टू स्टारवेशन. Okay, 12 to 13 million people were killed due to starvation. Okay, is that clear? तो मैं एक बार ये question आपके लिए फिर से read कर रही हूँ. मैंने समझा तो दिया है. Describe the economic conditions of India due to World War One. इसमें क्या given है? That during World War One, England, Great Britain participated in the war as a member of Triple Alliance with Russia and France. The war led to huge increase in war expenses, which was financed by war loan from other nations, which were financed by increase in taxes. Village men were forced to join the army as forced recruitment. As drought prolonged, the crops failed, which led to the shortage of food grains and increase in prices of food grains. And आपको पता है food prices कैसे increase होते हैं? Almost double हो गए थे. And it was not afforded by all, obviously. Okay, so this was accompanied by an influenza epidemic due to which 12 to 13 million people were killed. इसकी वजह से 12 से 13 million people मर गए थे due to starvation. All right, so moving towards the next question. Next question बहुत easy है. अब so let's start with the second question. और second question start करने से मैं पहले एक चीज बताना चाहूंगी कि गांधी जी इंडिया में कब आए थे. गांधी जी इंडिया में 1915 में आए थे, right? गांधी जी इंडिया में आए, कहाँ से आए थे गांधी जी इंडिया में? साउथ अफ्रीका से आए थे, ठीक है, 1915 में. और उन्होंने एक साल का रेस्ट लिया, और एक साल का रेस्ट लेने के बाद उन्होंने हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए लड़ना शुरू कर दिया, ठीक है. बट एक क्वेश्चन, ये स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया था? साउथ अफ्रीका में भी गांधी जी ने क्या किया था? ब्लैक्स को सपोर्ट किया था और रेसिज्म के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई करी थी. वाइट पीपल वर रूलिंग द ब्लैक पीपल, और इस चीज़ के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई करी और वो सक्सेसफुल भी हुए और ब्लैक पीपल को उनका हक दिलाने में उनकी हेल्प करी थी, राइट. तो अब हम वापस इंडिया पे आते हैं. तो जब गांधी जी इंडिया में आए 1915 में, एक साल का उन्होंने रेस्ट लिया और एक साल के बाद उन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए भी लड़ना शुरू किया. और उन्होंने कहाँ से शुरू किया? सत्याग्रह से. व्हाट इज सत्य? सत्य मीन्स सच्चाई. तो उन्होंने सच्चाई के लिए लड़े, ओके. तो वो सत्याग्रही मूवमेंट कौन सी थी जो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से आने के बाद हमारे लिए लड़ी, ठीक है. तीन मूवमेंट थी. गांधी जी ने एक साल का रेस्ट लिया और 1917 में मूवमेंट स्टार्ट करी, ठीक है. 1917 में दो मूवमेंट हुई और 1918 में एक मूवमेंट हुई. 1917 में कौन सी मूवमेंट हुई? चंपारण मूवमेंट. कहाँ पे हुई? बिहार में, ठीक है. अब ये जो मूवमेंट थी क्यों करी? दिस मूवमेंट वॉज टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम. ये मूवमेंट में गांधी जी ने क्या किया? सारे पीजेंट्स को इंस्पायर किया कि भाई तुम गलत क्यों सह रहे हो, गलत मत सहो और ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट तुम लड़ो, राइट. फिर 1917 में एक मूवमेंट और करी थी गांधी जी ने, खेड़ा मूवमेंट. कहाँ पे थी वो खेड़ा मूवमेंट? कहाँ पे करी? खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात में. खेड़ा इज अ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, दैट इज व्हाई इट इज गिवन द नेम एज खेड़ा, right. This movement was to support the peasants of Khera district in Gujarat who could not pay the revenue due to crop failure and famine spread. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि prices एकदम बढ़ गए थे, ठीक है, बहुत बुरी हालत हो गई थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए food grain. तो Khera movement जो हुई थी गुजरात में, इस movement में गांधी जी ने क्या किया? Peasants को support किया Khera district के और बोला कि तुम लड़ाई करो. If you cannot pay the high revenues, ओके, इफ यू कैन नॉट पे, क्रॉप फेलियर हो गया, फूड ग्रेन के प्राइसेस बढ़ गए और इस चक्कर में अगर आप रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे हो तो आप उस चीज के अगेंस्ट लड़ो, गलत मत सहो, राइट. उस चीज के अगेंस्ट लड़ो. एंड फेमाइन भी स्प्रेड हुआ था, मेनी पीपल डाइड, 12 टू 13 मिलियन पीपल डाइड. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट, राइट. फेमाइन स्प्रेड, फूड ग्रेन जो थे वो फेल हो गए थे, क्रॉप फेलियर हो गया था, फार्मर्स उसको बेच नहीं सके, कमा नहीं सके, ऊपर से रेवेन्यू इंक्रीज हो गया तो बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा था फार्मर्स के लिए. तो गांधी जी ने उनको भी सपोर्ट किया दैट यू हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस.
if you cannot pay the revenue due to crop failure and famine, you have to fight against this. अपने लिए खड़े हो, अपने लिए स्टैंड लो, राइट. उसके बाद 1918 में गांधी जी ने एक मूवमेंट और करी, सत्याग्रही मूवमेंट. जो तीसरी सत्याग्रही मूवमेंट थी वो कहाँ करी? अहमदाबाद में. एंड किस चीज़ के लिए करी? दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द कॉटन मिल वर्कर, अगेंस्ट द इल वर्किंग कंडीशन. ठीक है, किसके अगेंस्ट करी है? कॉटन मिल वर्कर के अगेंस्ट. क्यों करी? क्योंकि जहाँ पे भी हमारे फार्मर्स कॉटन मिल में काम कर रहे थे वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस बहुत ख़राब थे, बहुत ज़्यादा ख़राब वर्किंग कंडीशंस थे. तो इसलिए गांधी जी ने ये मूवमेंट करी. ठीक है, अब इससे पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलूँ, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ रिवाइज करवा रही हूँ डेट से रिलेटेड. अब ध्यान से देखिए, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दैट फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू लर्न इज दैट, just give me, yes, 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर वन हुआ. ओके, फिर 1915 में गांधी जी रिटर्न, गांधी जी वापस आ गए, राइट. एक साल का उन्होंने रेस्ट लिया 1916 में. ठीक है, 1917 में उन्होंने चंपारण मूवमेंट करी. ओके, 1917 में फिर से उन्होंने एक खेड़ा मूवमेंट करी. खेड़ा मूवमेंट करने के बाद 1918 में उन्होंने फिर से एक सत्याग्रह मूवमेंट करी. और ये सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ पे थी? अहमदाबाद में. तो गांधी जी ने इंडिया में आने के बाद एक साल का रेस्ट लेके ये तीनों सत्याग्रही मूवमेंट करी. सो दीज वर द अर्ली सत्याग्रही मूवमेंट. फर्स्ट वॉज वन वॉज इन चंपारण इन 1917, अदर वन वॉज इन खेड़ा इन 1917. चंपारण बिहार में है, खेड़ा गुजरात में है, एंड थर्ड वन वॉज इन अहमदाबाद. ठीक है, वो भी सत्याग्रही मूवमेंट थी. यहाँ तक हमने कर लिया. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज रूलेट एक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूलेट एक्ट क्या था? बहुत इजी है ये भी, देखते हैं हम. रूलेट एक्ट सबसे पहले पास किसने किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने. ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था, डिस्पाइट कि जो इंडियन मेंबर्स थे, जो भी पार्लियामेंट में इंडियन मेंबर्स थे या गवर्नमेंट में जो इंडियन मेंबर्स थे, दे वर अगेंस्ट द रूलेट एक्ट. बट उनकी ना सुनने के बावजूद भी इंडिया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया? रूलेट एक्ट पास किया. ठीक है, और उसने क्या किया गवर्नमेंट को? रूलेट एक्ट ने क्या किया? गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दे दी कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को वो कंट्रोल कर सके. ठीक है, द गवर्नमेंट वॉज गिवन एन इनॉर्मस पावर टू कंट्रोल द पॉलिटिकल एक्टिविटीज. और कौन सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी? दैट नो वन वॉज अलाउड, नो वन वॉज अलाउड टू फाइल द केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता. सेकेंड, नो वन वॉज अलाउड टू प्रोटेस्ट, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता. और अगर देखा गया कि कोई भी ये दोनों लॉस को वायलेट कर रहा है तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? उनको पनिश करेंगे, उनको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल. ओके, 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल. सो लेट्स रीड दिस आंसर. द रोलेट एक्ट वॉज पास बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स. इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज. एज पर दिस एक्ट नो वन वॉज अलाउड टू फाइल द केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नो वन वॉज अलाउड टू प्रोटेस्ट. इफ सीन वायलेटिंग दीज लॉ, ब्रिटिश कुड अफोर्ड द पनिशमेंट एंड डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स. आई होप दिस मच इज क्लियर. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गांधी जी अगेंस्ट द रोलेट एक्ट? गांधी जी ने रोलेट एक्ट के अगेंस्ट क्या स्टेप लिए? ऑब्वियसली गांधी जी चुप तो बैठने वाले नहीं है. ऐसे कैसे हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते या गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते? अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है तो हमें भी तो उस गलत को सही करना है. और हम कैसे कर सकते हैं? बाय फाइलिंग द केस और बाय प्रोटेस्टिंग. और दोनों पॉलिटिकल एक्टिविटीज अब गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली. तो अब गांधी जी तो चुप बैठने वाले में से थे नहीं. उन्होंने उनको सच का साथ देना था, उनको सही का साथ देना था. तो उन्होंने भी कुछ स्टेप्स लिए अगेंस्ट द रोलेट एक्ट, राइट. लेट्स सी व्हाट आर द एक्ट्स टेकन बाय द गांधी जी, टेकन बाय गांधी जी अगेंस्ट द रोलेट एक्ट. ओके, फर्स्ट थिंग गांधी जी ने क्या किया? फर्स्ट थिंग गांधी जी ने
लॉन्च करी रोलेट सत्याग्रह एक्ट, जो ब्रिटिशर्स का रोलेट एक्ट था, जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट का रोलेट एक्ट था, उसके अगेंस्ट गांधी जी ने स्टार्ट किया रोलेट सत्याग्रह एक्ट। ठीक है, गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन वायलेंस बिना मारपीट किए, बिना हाथ उठाए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल मतलब लॉ, डिसोबीडियंस मतलब डिसोबे, कि हम बिना मारपीट करे, बिना हाथ उठाए, हम लॉ को डिसोबे करेंगे। जो भी अनजस्ट लॉ बने हैं, जो भी बेकार लॉ बनाए हैं ब्रिटिशर्स को, हम वो फॉलो नहीं करेंगे। ऑल राइट, सो सेम वे हम रोलेट एक्ट के लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत अनजस्ट लॉ है। राइट, सो गांधी जी वॉन्टेड नॉन वायलेंस CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ विच वुड स्टार्ट। और इसके बाद क्या हुआ, जब गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह एक्ट स्टार्ट किया, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट, ऑल राइट, टू फाइट अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ मेड बाय द ब्रिटिशर्स और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उसके बाद क्या हुआ, इट स्टार्टेड विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 में हड़ताल हुई, ठीक है, एंड दिस डे वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल ह्यूमिलेशन डे। और 6 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया नेशनल ह्यूमिलेशन डे। अब जैसे कि पहले मैं ये रीड कर देती हूँ कि क्या हुआ था, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गांधी जी अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। गांधी जी लॉन्च द रोलेट सत्याग्रह एक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट रोलेट एक्ट। गांधी जी वॉन्टेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ विच वुड स्टार्ट अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919। दिस डे वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल ह्यूमिलेशन डे। इज दैट क्लियर? नाउ आई एम एडिंग वन मोर डेट इन दिस, ताकि आपको चार्ट अच्छे से बना लो। 1914 टू 1918 में वर्ल्ड वॉर वन हुआ। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए। 1917 में बिहार में चंपारण मूवमेंट हुई, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। 1917 में गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह मूवमेंट हुई। 1918 में अहमदाबाद में सत्याग्रह मूवमेंट हुई। फिर 6 अप्रैल 1919 में हड़ताल हुई। 6 अप्रैल 1919 में हड़ताल हुई। रोलेट सत्याग्रह एक्ट स्टार्ट हुआ था, एंड इट वॉज स्टार्टेड विद द हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919, एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल ह्यूमिलेशन डे। दिस डे वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल ह्यूमिलेशन डे। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। Right, I'm moving towards the next question. Now, the next question is Jallianwala Bagh Massacre. ठीक है, ये question बहुत important है. Let's see this question. ठीक है, ये question हम ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखो। जलियांवाला बाग मैस्करे में आपने क्या पढ़ना है? सबसे पहले 10 अप्रैल 1919, द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग widespread attacks on banks, post office, railway stations. इसमें क्या हुआ, 6 अप्रैल को नेशनल ह्यूमिलेशन डे डिक्लेयर हो गया, हड़ताल हुई थी उस दिन, ठीक है। 10 अप्रैल 1919 में क्या हुआ, चार दिन बाद हड़ताल के, 10 अप्रैल 1919 को जो पुलिस थे अमृतसर की, उसने क्या किया, पीसफुल प्रोसेशन में लोग इकट्ठे हुए थे, आराम से मिल रहे थे, वहां पे गोलियां चलानी शुरू कर दी, ठीक है। दे फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन, उसके बाद ऑब्वियसली लोगों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी बिना किसी रीजन के, तो ऑब्वियसली लोग भी रिएक्ट करेंगे, उन्होंने रिटेलिएट किया, ठीक है। दे अटैक्ड ऑन बैंक्स, दे अटैक्ड ऑन पोस्ट ऑफिस, दे अटैक्ड ऑन रेलवे स्टेशन, बेसिकली जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन सब पे अटैक किया। उस इंसिडेंट के बाद 10 अप्रैल 1919 के इंसिडेंट्स के बाद, पहले पुलिस ऑफिसर ने फायरिंग करी, उसके बाद लोगों ने रिएक्ट किया, बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जलाया, वहां पे अटैक किया, ठीक है। तो उसके बाद मार्शल लॉ अप्लाई हो गया, एंड मार्शल लॉ क्या था कि मिलिट्री के हाथ में सारा कंट्रोल दे दिया, एंड जब मिलिट्री के हाथ में कंट्रोल दिया तो सारा कमांड किसके हाथ में आ गया, जनरल डायर के हाथ में, ही टुक द कमांड, ठीक है। जितने भी लोकल लीडर्स थे दे वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, महात्मा गांधी वॉज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, ओके। महात्मा गांधी को बैन कर दिया कि भाई तुम तो दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते हो। मोर ओवर जितने भी लोकल लीडर्स थे दे वर पिक्ड अप, राइट। देन 13 अप्रैल
लार्ज क्राउड गैदर्ड एट जलियांवाला बाग, 10 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में गैदर हुए थे। क्यों गैदर हुए थे? क्योंकि बैसाखी था, मेला लगा हुआ था, फेयर लगा हुआ था। कुछ लोग तो मेला अटेंड करने के लिए आए हुए थे और लोग आउटसाइड सिटीज से आए हुए थे, सबसे बड़ी बात, एंड कुछ लोग वहाँ पे मीटिंग करने आए हुए थे। ठीक है, ऑन 13 अप्रैल लार्ज क्राउड गैदर्ड एट जलियांवाला बाग। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट के न्यू रिप्रेसिव मेजर्स के अगेंस्ट, न्यू अनफेयर लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए थे, और कुछ लोग सिर्फ बैसाखी फेयर मतलब मेला अटेंड करने आए थे। ठीक है, बीइंग फ्रॉम आउटसाइड सिटीज, बहुत सारे लोग सिटी के बाहर के थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी को भी मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था। ठीक है, उसके बाद क्या किया जनरल डायर ने, देखा बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, उस मौके का फायदा उठाया, ही एंटर्ड जलियांवाला बाग। ओके, जलियांवाला बाग एंटर करने के बाद उसने सारे गेट्स को ब्लॉक कर दिया, सारे एग्जिट गेट्स को, सारे एंट्री गेट्स को ब्लॉक कर दिया, एंड ही स्टार्टेड फायरिंग, ओपन फायरिंग ऑन द पीपल, लोगों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ऑल राइट, ठीक है, एंड ही स्टार्टेड किलिंग पीपल एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों के मन में टेरर क्रिएट हो जाए और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी रिएक्ट ना करें। सो दिस वॉज जस्ट टू क्रिएट द टेरर अमंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल। ऑल राइट, सो लेट्स रीड दिस आंसर। ऑन 10 अप्रैल 1919 द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस, रेलवे स्टेशन। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज एंड जनरल डायर टू कमांड। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बैरड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। On 13th April, large crowd gathered at Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government. New oppressive measures. Other had come to attend the annual Baisakhi fair. All right, being from outside city, many people were not aware about the martial law that had been imposed. General Dyer entered the area, blocked the exit gate and opened fire on the crowd, killing hundreds of people. His objective, as he declared later, was to produce a moral effect to create the minds of Satyagrahis a feeling of terror. क्लियर? अब यहाँ पे हमारी दो डेट्स और ऐड हो गई, और वो दो डेट्स कौन सी है? एक तो 10 अप्रैल है और एक 13 अप्रैल है। 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई, ठीक है, फिर 10 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ अप्लाई हुआ, राइट, मार्शल लॉ अप्लाई हुआ, ठीक है, फिर 13 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ अप्लाई हुआ, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। ओके, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। ये और डेट्स ऐड ऑन हो गई। लास्ट में मैं फिर से ये सारी डेट्स रिमाइंड करवाने वाली हूँ। ये टॉपिक वन की सारी डेट्स हैं। ऑल राइट, सो लेट्स गेट टू दिस अगेन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। और सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाई वाज द रोलेट सत्याग्रह कॉल्ड ऑफ? रोलेट सत्याग्रह का, रोलेट सत्याग्रह किसका था? ब्रिटिशर्स का या गांधी जी का? गांधी जी का, क्योंकि उनका तो रोलेट एक्ट था, गांधी जी ने उसके अगेंस्ट रोलेट सत्याग्रह एक्ट शुरू किया। ठीक है, एंड इट वाज कॉल्ड ऑफ। गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। क्यों विड्रॉ किया था, ये हमें इस क्वेश्चन में पढ़ना है। ठीक है, न्यूज जो जलियांवाला बाग न्यूज थी वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो गई। वायलेंस में सब ऑलरेडी चेंज हो गया था। 10 अप्रैल को भी क्या हुआ था, मार्शल लॉ अप्लाई होने से पहले एक पीसफुल प्रोसेशन में पुलिस ऑफिसर ने फायरिंग शुरू कर दी, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर अटैक किया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, उसकी न्यूज स्प्रेड हो गई। तो जैसे जलियांवाला बाग न्यूज स्प्रेड हुई, देयर वर स्ट्राइक्स, देयर वर क्लैशेस विद द पुलिस, देयर वर अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग। स्ट्राइक्स हुई, पुलिस के साथ क्लैश हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आ गई, ठीक है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी चुप बैठने में से नहीं थी, गवर्नमेंट ने और ब्रूटली उसको रिस्पॉन्ड किया। सत्याग्रही वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन ग्राउंड, क्राउड ऑन द स्ट्रीट्स एंड सल्यूट ऑल द ब्रिटिश ऑफिसर्स। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड। ठीक है, सत्याग्रही मूवमेंट, जो सत्याग्रही के लोग थे, दे वर फोर्स्ड कि अपनी नाक रगड़ो जमीन पे। ओके, दे वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द स्ट्रीट्स। ओके, दे वर फोर्स्ड कि जितने भी ब्रिटिशर्स ऑफिसर है उनको सलाम करो, सल्यूट करो। ठीक है, और जितने भी पीपल्स थे उनको भगा दिया गया एंड विलेजेस में बॉम्ब जला दिए गए। राइट, सीइंग वायलेंस स्प्रेड, देखा कि बहुत ज्यादा वायलेंस स्प्रेड हो गया, महात्मा गांधी
cold of the movement, right? Let's read this answer. As the news of Jallianwala Bagh spread, there were strikes, clashes with people and attacks in government building. The government responded with brutal repression. Satyagrahis were forced to rub their nose on ground, crawl on the streets and salute all the British officials. People were flogged and villages were burned. Seeing violence spread, Mahatma Gandhi called off the movement. All right, clear? Now, let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वॉज द लिमिटेशन ऑफ रोलेट सत्याग्रह मूवमेंट? रोलेट सत्याग्रह मूवमेंट की लिमिटेशन क्या थी? ओके, लेट्स रीड दिस. गांधी जी कॉल्ड ऑल द लोकल लीडर्स. ओके, गांधी जी ने सारे लोकल लीडर्स को बुलाया और बोला कि तुम खुद एक बार इस मूवमेंट को समझो. सेल्फ रिफ्लेक्ट द मूवमेंट, कि खुद एक बार ये पूरी मूवमेंट समझो और वॉट एवर यू आर रियलाइजिंग इन्फॉर्म मी दैट. ठीक है, लोकल लीडर्स ने पूरी मूवमेंट को देखा, ध्यान से समझा एंड दे रियलाइज कि जो रोलेट सत्याग्रह है वो एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट नहीं है, वो कुछ विलेजेस और टाउन में चल रही है, हमें उसे पूरे इंडिया में, पूरे नेशन में फैलाना चाहिए. ऑल राइट, वाइल द रोलेट सत्याग्रह हैड द बीन द वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन. सिर्फ कुछ सिटीज और टाउन में ही ये मूवमेंट चल रही थी, हर जगह नहीं चल रही थी, जबकि ये हर जगह चलनी चाहिए, पूरे इंडिया में चलनी चाहिए. ठीक है, ऑल्सो ही वॉज सर्टेन दैट नो मास मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर टूगेदर. एंड गांधी जी ने या लोकल लीडर्स ने यह भी रियलाइज किया, जब तक हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट नहीं किया जाएगा तब तक हमारी मूवमेंट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग ज्यादा एक साथ इकट्ठे तभी होंगे जब हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे होंगे, क्योंकि मुस्लिम की पॉपुलेशन भी ज्यादा थी, हिंदू की पॉपुलेशन भी ज्यादा थी. इफ दे वुड कम टूगेदर देन देयर विल बी अ नेशन वाइड मूवमेंट. ऑल राइट, गांधी जी फेल्ट टू लॉन्च द मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया. गांधी जी ने रियलाइज किया अब हमें और ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट बनानी चाहिए. इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू सर्टेन टाउन्स एंड सिटीज, इट शुड बी ऑल ओवर इंडिया. राइट, सो हिंदू मुस्लिम टाउन्स, हिंदू मुस्लिम्स टाउन्स एंड विलेजेस, रिच एंड पुअर, दे वर सपोज टू बी टूगेदर. हिंदू मुस्लिम को एक करना था, टाउन्स और विलेजेस को एक करना था, रिच और पुअर को एक करना था, और जब ये सारे एक हो जाएंगे तो वो एक नेशन वाइड ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट कर पाएंगे. ओके, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. वॉट वॉज द लिमिटेशन ऑफ रोलेट सत्याग्रह मूवमेंट? गांधी जी कॉल्ड ऑल लोकल लीडर्स टू सेल्फ रिफ्लेक्ट द मूवमेंट. दे रियलाइज दैट वाइल द रोलेट सत्याग्रह हैड बीन द वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन. ऑल्सो ही वॉज certain that no mass movement could be organized without bringing Hindu and Muslims close together. Gandhi ji felt the need to launch more broad based movement in India. So Hindu, Muslim, towns and villages, rich and poor, all were supposed to brought together to launch a mass movement. Okay, so now let's move towards the next question. Next question is again very easy, and next question is what was Khilafat issue? Khilafat issue kya tha? ठीक है, अब ये बहुत ध्यान से सुनो. जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ, ओके, जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो कौन हारा? ऑटोमन टर्की. वर्ल्ड वॉर वन हुआ, कौन हारा? ऑटोमन एम्परर. ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की. ठीक है, और जब ऑटोमन टर्की हारा तो बहुत हार्श और हार्श ट्रीटी साइन करवाई गई, हार्श पीस ट्रीटी साइन कराई गई, और वो जो हार्श पीस ट्रीटी साइन कराई गई थी, इट वॉज ऑटोमेटिकली हर्टिंग द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, दैट इज द खलीफा. ठीक है, तो खलीफा की पावर्स को डिफेंड करने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी. खलीफा की पावर्स को डिफेंड करने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में 1919 में. ठीक है, फॉर्मड इन बॉम्बे 1919 एंड इट वाज फॉर्मड अंडर द लीडरशिप ऑफ नावेद खलीफा. ऑल राइट, दो मुस्लिम यंग लीडर्स थे. ठीक है, कौन? मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दे वर ब्रदर्स. एंड दे स्टार्टेड डिस्कसिंग विद गांधी जी कि भाई क्या पॉसिबिलिटी है कि हम एक यूनाइटेड मास एक्शन कर सके खिलाफत इशू पे, एक यूनाइटेड मास एक्शन कर सके. और गांधी जी ने उन्हें सजेस्ट किया कि हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करना होगा. गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी एंड दे टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम अंडर वन अम्ब्रेला, राइट, एक यूनिफाइड मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए तो कैलकटा सेशन हुआ कांग्रेस का 1920 में. उन्होंने कन्विंस किया सारे लीडर्स को कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे और खिलाफत और स्वराज दोनों को सपोर्ट करेंगे. स्वराज इज इंडिपेंडेंस, स्व
राज, स्वयं का राज, अपना राज, दैट इज इंडिपेंडेंस. ऑल राइट, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन अगेन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. खिलाफत इशू क्या था? जब वर्ल्ड वॉर वन एंड हुआ तो ऑटोमन टर्की हारी, एक हार्श पीस ट्रीटी साइन कराई गई, ठीक है, जिस जो स्पिरिचुअल हेड जो था, जो स्पिरिचुअल हेड जो था इस्लामिक वर्ल्ड का, खलीफा, उसके सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट कर रहा था. ठीक है, तो खलीफा की पावर्स को डिफेंड करने के लिए या खिलाफत की पावर्स को डिफेंड करने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे 1919 में, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ नावेद खलीफा. दो यंग ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली. दे स्टार्टेड डिस्कसिंग विद गांधी जी कि एक नेशन वाइड मूवमेंट कैसे की जा सकती है खिलाफत के सपोर्ट में, राइट? तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने क्या किया, ही सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम अंडर वन अम्ब्रेला, उनको यूनाइट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी करी. और उन्होंने कांग्रेस सेशन जो हुआ था कैलकटा में 1920 में, सारे लीडर्स को कन्विंस कर लिया दैट वी विल डू अ ब्रॉड नेशन, ब्रॉड बेस्ड नेशन वाइड मूवमेंट, दैट इज द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, टू डिफेंड स्वराज, टू डिफेंड खलीफा, ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ खलीफा एंड स्वराज, राइट? सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द वर्ल्ड वॉर वन हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की. एज अ रिजल्ट, अ हार्श पीस ट्रीटी वॉज इम्पोज ऑन द ऑटोमन एम्परर, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा. टू डिफेंड द खलीफाज पावर, द खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे 1919 अंडर द लीडरशिप ऑफ नावेद खलीफा. अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली बिगेन डिस्कसिंग विद गांधी जी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन दिस इशू. गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिंदू मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट. एट द कैलकटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1920 ही कन्विंस द लीडर्स ऑफ द नीड टू बिगेन द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एंड स्वराज. आई होप This much is clear to you. All right. Next question. बहुत easy है कि खिलाफत issue, खिलाफत movement और non corporation movement कब start हुई? 1921 में start हुई. तो यहाँ पे दो dates और मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो 1919 में, I'm writing here, okay? Listen to me very, very, very carefully. क्या था कि 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ नावेद खलीफा. खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड हुई, ऑल राइट. उसके बाद खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड हुई, 1920 में कांग्रेस का कैलकटा सेशन हुआ जिसमें गांधी जी ने सबको मनाया कि भाई सारे लीडर्स को कि हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और स्वराज मूवमेंट जो है वो स्वराज के लिए और खिलाफत के लिए दोनों के लिए करने वाले हैं, ठीक है. उसके बाद 1921 में खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड. इज दैट क्लियर? यस. सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, ओके. So let's get started with this one. This is very easy. What idea of non-cooperation does Gandhi share in his books Hind Swaraj? अब गांधी जी ने जब वो साउथ अफ्रीका में थे 1909 में एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था हिंद स्वराज. और उस बुक में गांधी जी ने एक आइडिया दिया था या एक चीज लिखी थी कि गांधी जी ने कहा था कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो तभी आया क्योंकि इंडियंस कोऑपरेट कर रहे हैं, और अगर इंडियंस कोऑपरेट करना बंद करेंगे तो विद इन एन ईयर, एक साल के अंदर अंदर जो ब्रिटिश रूल है कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. 1919 में हिंद स्वराज लिखी थी गांधी जी ने, ठीक है. सो इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909, महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, राइट, एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉरपोरेशन. इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम. क्लियर? ओके, टू मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सपोज टू अनफोल्ड, ठीक है. हाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज सपोज टू अनफोल्ड. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फोल्ड हुई थी, अनफोल्ड हुई थी तीन स्टेजेस में, स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज थ्री, ठीक है.
तीन स्टेजेस में अनफोल्ड हुई थी। स्टेज वन थी कि जितने भी टाइटल्स दिए थे गवर्नमेंट ने सब लोगों को, वो टाइटल्स सबने सरेंडर कर दिए थे। और दो एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिए गए हैं, दैट इज गांधी जी का टाइटल और रविंद्रनाथ का टाइटल। ठीक है, गांधी जी का टाइटल था केसरी हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर का टाइटल था नाइटहुड। ठीक है, दोनों ने अपने टाइटल्स को सरेंडर कर दिया। स्टेज की टू क्या था कि जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, सिविल सर्विसेज है, आर्मी, स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट, पार्लियामेंट, सब चीजों को बॉयकॉट कर दो। ठीक है, स्टेज की थ्री क्या था, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो, फॉरेन गुड्स इकट्ठा करो, उनको जलाओ। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाती है इसके अगेंस्ट, या कोई भी ऐसा मेजर या पॉलिसी बनाती है इसके अगेंस्ट, तो हम उस लॉ को ऑबे नहीं करेंगे, हम उस अनजस्ट लॉ को ऑबे नहीं करेंगे। वी विल लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और वो नेशन वाइड होनी चाहिए। राइट, लेट मी जस्ट रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू। हाउ वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सपोज टू अनफोल्ड? गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन थ्री स्टेजेस। स्टेज वन, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। गांधी जी सरेंडर्ड द टाइटल ऑफ केसरी हिंद, रविंद्रनाथ सरेंडर्ड द टाइटल ऑफ द नाइटहुड। Stage 2, the second step was the boycott of all institutions, civil services, army, school, colleges, courts and parliament. And stage 3 is boycott of the foreign good, bonfire of all foreign good. And then in case government used repression, a full civil disobedience campaign would be launched. And it would be launched nationwide. Clear? Okay. So moving towards the next question. This is the last question. Okay, why did it take time to launch non-corporation movement? पहले question समझ लीजिए, फिर answer दिखाती हूँ कि non-corporation movement को launch करने के लिए time क्यों लगा, या फिर कुछ congressmen थे, they were reluctant to join the non-corporation movement, that means they were against to join the non-corporation movement or to participate the non-corporation movement, why? Okay, so let's read these reasons. All right, here are the reasons. ओके, अब थ्रू द समर ऑफ 1920, मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, बहुत टाइम लग गया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने के। अगर मैं आपको डेट्स दिखाऊं तो सी दीज डेट्स 10th अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ अप्लाई हुआ था, 13th अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, फिर 1919 के बाद खिलाफत इशू उठाया गया, कैलकटा सेशन हुआ, ठीक है, 1919 रह गया, 1920 हो गया खत्म, 1921 के बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो इतना टाइम क्यों लगा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने के लिए? तो या फिर जो कुछ कांग्रेस लीडर्स थे, व्हाई दे वर रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, लेट सी दिस। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले समर टाइम में तो क्या हुआ था, गांधी जी शौकत अली के साथ, ठीक है, पूरे इंडिया में उन्होंने टूर किया और लोगों का सपोर्ट लिया। ऑल राइट, सो थ्रू द समर ऑफ 1920 गांधी जी एंड शौकत अली टूर एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग द सपोर्ट ऑफ द पीपल। ऑल राइट, सपोर्ट ऑफ द पीपल फॉर द मूवमेंट। ऑल राइट, देन व्हाट हैपेंड, मेनी विद इन द कांग्रेस दे वर कंसर्न्ड अबाउट इलेक्शंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत सारे लोग कांग्रेस के ऐसे थे जो उस पार्लियामेंट इलेक्शंस को लेके बहुत कंसर्न्ड थे, और उन्होंने सोचा था कि अगर वो पार्लियामेंट इलेक्शंस को बॉयकॉट कर देंगे, ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कोऑपरेट करेंगे, तो जो पावर्स उनको मिल सकती है वो पावर्स भी उन्हें नहीं मिलेंगी। दैट इज व्हाई दे वर रिलक्टेंट, दे वर डाउटफुल टू जॉइन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन, जो नवंबर 1920 में इलेक्शंस होने थे, ठीक है, उसको बॉयकॉट करने के लिए बहुत ज्यादा रिलक्टेंट थे। दे फियर्ड कि अगर हमने बॉयकॉट किया देन इट कैन लीड टू पॉपुलर वायलेंस, मास वायलेंस। क्लियर, फिर सितंबर एंड दिसंबर के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया इन लोगों को मनाने के लिए, बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई सारे कांग्रेस मेंबर्स के बीच में, ठीक है, फॉर अ वाइल उन लोगों को कोई मीटिंग पॉइंट ही नहीं मिल रहा था अपनी बातचीत करने के लिए। फॉर अ वाइल देयर सीम नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, अब एक ही पता है, कांग्रेस पार्टी में सपोर्टर्स भी थे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के, ओपोनेंट्स भी थे। ओपोनेंट्स वो थे हु वर रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ड्यू टू द काउंसिल इलेक्शन। दे डू नॉट वॉन्ट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन, दे थॉट देयर वुड बी अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट एंड दे ऑल्सो थॉट दैट दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी टू गेन पावर्स, और अगर ये अपॉर्चुनिटी भी खो दी तो
उनको कोई पावर नहीं मिलेगी, राइट। फाइनली एट कांग्रेस सेशन, नागपुर में कांग्रेस सेशन हुआ दिसंबर 1920 में, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्कड आउट दोनों के बीच में, ओपोनेंट्स और सपोर्टर के बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ एंड फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज अडॉप्टेड, फाइनली द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, ओके। एंड देयर फोर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन जनवरी 1921, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे देख लो, दिसंबर 1920 में भी सेशन हुआ था, ठीक है, और ये सितंबर दिसंबर का सेशन कब हुआ, कहाँ हुआ था, नागपुर में, ठीक है। आई एम रीडिंग दिस अगेन टू यू। थ्रू द समर ऑफ 1920 गांधी जी एंड शौकत अली टूड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग द सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। मेनी विद इन द कांग्रेस वर कंसर्न अबाउट द इलेक्शंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज पार्लियामेंट। दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर 1920 एंड दे फियर्ड दैट मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। इन द मंथ्स between September and December there was an intense struggle and discussion within the Congress for a while. There seemed no meeting point between the supporters and the opponents of the movement. Finally at the Congress session at Nagpur in December 1920 a compromise was worked out and the non-cooperation movement was adopted. Therefore the non-cooperation movement was started in January 1921. aur yahan pe hamara topic 1 khatam ho gaya, all right. And back to this, 1920 में कैलकटा सेशन हुआ था, राइट। 1920 में एक कैलकटा सेशन और एक नागपुर सेशन हुआ था, ठीक है। और ये नागपुर सेशन कब हुआ था, दिसंबर में, क्लियर। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत इशू 1920 में कब शुरू हुई, इट वॉज स्टार्टेड इन जनवरी, ऑल राइट। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस अगेन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। लास्ट डेट्स रिवाइज है, फटाफट मैं आपको फिर से डेट रिवाइज करवा देती हूँ सारी। फर्स्ट थिंग इज 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर वन हुआ, ओके। 1914 से 18 के बीच में वर्ल्ड वॉर वन हुआ। सेकेंड थिंग 1915 में गांधी जी वापस आ गए, ओके। गांधी जी रिटर्न्ड। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, आफ्टर गांधी जी रिटर्न्ड व्हाट हैपेंड, एक साल का उन्होंने रेस्ट लिया, ठीक है। 1917 में, फिर से 1917 में और 1918 में, इन तीनों ईयर में तीन सत्याग्रह मूवमेंट हुई, ठीक है। कहाँ हुई, लेट्स स्टार्ट दिस। चंपारण में हुई सबसे पहले, चंपारण कहाँ पे है, बिहार में। उसके बाद क्या हुआ, चंपारण के बाद खेड़ा में हुई, खेड़ा कहाँ पे है, खेड़ा इज इन गुजरात, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे हुई, कॉटन मिल वर्कर की अहमदाबाद में, अगर आपको याद हो, ठीक है। ये बहुत अच्छे से हो गया हमारा, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने करा था 1914 से 18 में वर्ल्ड वॉर वन हुआ, 1915 में गांधी जी रिटर्न, 1917 चंपारण में सत्याग्रह मूवमेंट, 1917 में खेड़ा में डस सत्याग्रह मूवमेंट, 1918 में अहमदाबाद में सत्याग्रह मूवमेंट, ओके। उसके बाद क्या हुआ, लेट मी जस्ट शो यू, यस। 6 अप्रैल 1919 में हड़ताल हुई एंड दिस डे वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल ह्यूमिलेशन डे। आफ्टर 6 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ अप्लाई करा, मार्शल लॉ वॉज अप्लाइड, ओके। After this, 10th April 1919, what happened? 13th April 1919, Jallianwala Bagh incident हुआ, ठीक है। इससे आगे जाने से पहले एक और चीज बताऊंगी, 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज बुक लिखी थी, जिसमें बोला था कि इंडिया के कॉर्पोरेट की वजह से, कॉर्पोरेशन की वजह से ही ब्रिटिशर रूल कर पा रहा है, अगर इंडिया के लोग ही कॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश रूल वन ईयर में कोलैप्स हो जाएगा, राइट।
यहाँ तक मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। फिर उसके बाद 1919 में बॉम्बे में क्या हुआ, एक खिलाफत कमिटी स्टार्ट हुई, ठीक है। फिर क्या हुआ, अभी हमने क्या पढ़ा था लास्ट, ये देखो 13 अप्रैल 1919 तक पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद 1919 में खिलाफत कमेटी बनी, ठीक है, जिसका हेड था नावेद खलीफा, ठीक है। और ये खिलाफत कमेटी कहाँ बनी, बॉम्बे में, ठीक है। ये खिलाफत कमेटी कहाँ बनी, बॉम्बे में, ठीक है। खिलाफत कमेटी बन गई। उसके बाद 1920 में गांधी जी ने टूर किया शौकत अली के साथ। ये देखो 1920 में कोलकाता सेशन हुआ, ठीक है। मैं बताती हूँ पहले, 1920 में गांधी जी ने क्या किया, शौकत अली के साथ टूर मारा पूरे इंडिया में और लोगों का सपोर्ट इकट्ठा किया। गांधी जी टूर विद शौकत अली टू गैदर द सपोर्ट ऑफ द पीपल, ऑल राइट। उसके बाद 1920 में कांग्रेस सेशन हुआ एट कैलकटा, कांग्रेस सेशन हुआ एट कैलकटा। और ये कब हुआ था, ये हुआ था सितंबर में, ठीक है। फिर 1920 में दिसंबर में नागपुर सेशन हुआ था, नागपुर में कांग्रेस सेशन हुआ था। एंड देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, 1921 जनवरी में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। आई होप दिस मच इज क्लियर। ऑल राइट, टॉपिक वन यहाँ पे खत्म हो गया। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट, आई हैव शेयर द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Join that channel. After that, you will be added in the group. You can ask your doubt here. And if you want me to take a live Zoom session with you all to clear your doubts, again join Telegram channel for that. All right. Us Telegram channel mein I will update you when I will be taking the Zoom class. Do not forget to ring the bell icon. All right. For more such videos. If you will ring the bell icon, you will be getting the notification of all my videos in futures. Kisi ko koi bhi doubt hai, without any hesitation, you can either comment in the comment box or ask me in my Telegram channel. All right. So all the very best for your board exams. Aur bhi bahut sari videos aane wali hai board exams se pehle, so that you can revise full syllabus of yours. And I will be helping you with all your doubts in social science. So do not forget to join the Telegram channel. The link is in the description box. All right, for notes, again, follow my Instagram and Facebook channel. Bye bye everyone. See you guys in my next video.